अस्सलाम वालेकुम भाई, होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शान दानिश। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये सारी चीज़ें टेस्ट कर लेनी चाहिए कोई भी डोमेन बाय करने से पहले, ताकि फ्यूचर के अंदर चल के आपके पैसे और वक्त दोनों ज़ाया ना हो। अगर आप कोई भी स्टार्टअप के लिए या फिर किसी ब्लॉग के लिए एक डोमेन बाय करना चाह रहे हैं लेकिन आप डायरेक्टली उसको बाय कर लेते हैं, जो कि मोर देन 90% लोग इसी तरह करते हैं कि डायरेक्टली बिना चेक किए डोमेन को बाय कर लेते हैं और बाद में जाकर पता चलता है कि वो डोमेन स्कैम ही थी या उसके ऊपर कोई भी इलीगल एक्टिविटी हुई थी पास्ट के अंदर, जिसका नतीजा ये होता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें सर्च इंजन के अंदर आपको किसी भी तरह की रैंकिंग और किसी भी तरह की अहमियत नहीं मिल पाती। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये हैं कि हम ये सारा काम किस तरह से करेंगे, कोई भी डोमेन बाय करने से पहले किस तरह से चेक करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि डोमेन बाय करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह से आप लोगों ने चेक करनी है। 2016 के अंदर मेरे पास एक ब्लॉग था जो कि बहुत अच्छा रन कर रहा था मैं, और उसके बाद वो एक्सपायर हो गया उसकी डोमेन और मैं किसी वजह से उस पर काम नहीं कर पाया, काफ़ी सारी रीजंस थी। उसके बाद 2023 के अंदर रिसेंटली मैंने देखी कि वो डोमेन अवेलेबल थी, तो मैंने बिना ये सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स किए बिना वो डोमेन बाय कर ली। बाय करने के बाद जब मैंने चीज़ों को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये डोमेन बहुत ही ज़्यादा स्पैमी हो चुकी है और इसके ऊपर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हुआ ये कि मेरा टाइम और पैसे दोनों ज़ाया हो गए और डोमेन को भी स्टिल मैं यूज़ नहीं कर सकता, राइट। तो अगर आप लोग इस सारी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से आप लोग ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कुछ चीज़ें कि स्पैम का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से होती हैं। लेट्स सपोज आप एक डोमेन जो बाय करने चाह रहे हैं वो रिसेंटली या प्रीवियसली किसी बायर ने परचेज की हो और उसके ऊपर कोई भी अडल्ट कंटेंट की वेबसाइट बनी हो या कोई भी इलीगल वेबसाइट बनी हो जिसके ऊपर ड्रग्स या इस तरह की कोई भी सारी चीज़ें जो हैं वो सेल होती हों, राइट। तो ऑब्वियसली बात है सर्च इंजन जो है इन सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता और उस डोमेन को डी इंडेक्स कर देता है या पेनल्टी दे देता है और किसी भी तरह से उसको इंडेक्स या रैंक नहीं करता कितना भी आप कोशिश कर रहे हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए हमें कोई भी डोमेन परचेज करने से पहले। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने 3-4 टूल्स खोले हुए हैं, इनको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने जो डोमेन बाय की हुई थी तो उसमें किस तरह से मुझे पता चला कि ये वाली जो डोमेन है वो स्पैमी हो चुकी है और इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक टूल है Ahrefs बैकलिंक चेकर। तो यहाँ पे इसका ये इस तरह से URL भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आके मैंने अपनी जो डोमेन है उसको इस तरह से एंटर किया और क्लिक किया चेक बैकलिंक्स। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि बैकलिंक्स यहाँ पे किस तरह के बैकलिंक्स हैं, स्पैमी तो नहीं है, स्पैमी से मुराद कहीं ऐसे वेबसाइट से बैकलिंक्स तो नहीं आ रहे जो कि अडल्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रही हैं या फिर इलीगल कंटेंट है उनके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है इस तरह के कुछ बैकलिंक्स हैं और यहाँ पे हमारे पास देखें ये जो वेबसाइट्स हैं ये क्रैक्स सेल कर रही हैं, राइट, मतलब क्रैक्स बना के बेच रही हैं, सॉरी क्रैक्स जो हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक पायरेसी है, जो कि एक खिलाफ रूल है, ब्लैक हैट कहला सकते हैं हम। तो गूगल इन सारी चीज़ों को लाइक नहीं करता, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो बैकलिंक्स बने हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं, राइट। तो यहाँ से मुझे एक साइन मिल गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ गूगल के अंदर और अपनी वेबसाइट को इस तरह से डबल कोट्स के अंदर सर्च करता हूँ। सर्च करने से के बाद मुझे यहाँ पे इस डोमेन की हिस्ट्री नज़र आ जाएगी। आप जो भी डोमेन बाय कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री इस तरह से आपको नज़र आ जाएगी। अगर वो ऑलरेडी पहले कभी यूज़ हुई है किसी भी काम के लिए तो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री नज़र आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाली डोमेन की क्या हिस्ट्री थी, किस पर्पज़ के लिए प्रीवियसली यूज़ की गई थी। अगर वो कोई साफ़ सुथरा या बिल्कुल सही काम था तो तब तो आप उस डोमेन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं उस डोमेन को छोड़ सकते हैं अगर किसी भी तरह के नेगेटिव साइन यहाँ सर्च इंजन के ऊपर आपको नज़र आए, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है robingupta.com, इसके ऊपर आप जाएंगे, ये URL है इसका, और सिंपल यहाँ पे अपनी डोमेन एंटर करेंगे और व्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये हमें क्या दिखा देगा, इसका स्पैम स्कोर। तो यहाँ पे देखें आउट ऑफ 181% ये स्पैम है, तो इसका क्लियरली जो इंडिकेशन है कि ये
जो वेबसाइट है ये स्पैम है, अगर मैं इसके ऊपर किसी भी तरह का ब्लॉग या वेबसाइट सेटअप करूंगा तो वो 110% नहीं चलने वाली, सर्च इंजन उसको किसी तरह की इंडेक्सिंग या रैंकिंग्स नहीं देगा। उसके बाद हमारे पास बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर भी होंगे, इसका नाम है वेब आर्काइव, या आप गूगल पे लिख सकते हैं वे बैक मशीन। उसके बाद ये वेबसाइट आएगी, सिंपल आप अपना यूआरएल यहाँ पे एंटर करके सर्च करेंगे तो ये आप लोगों को उसकी उस वेबसाइट की कंप्लीट हिस्ट्री दिखा देगा कि ये वेबसाइट कब बनी थी, किस तरह से बनी थी, इसके पेजेस के स्क्रीनशॉट भी दिखा देगा, इस पे किस तरह का कंटेंट था, किस तरह की इमेजेस थी। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ये वाली फर्स्ट डोमेन, और इसको मैं देखता हूँ जून 2017 के अंदर इसके ऊपर क्या अवेलेबल था। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सिंपल क्लिक कर दिया। अब ये मुझे जून 2017 का जिस तरह की इसकी शक्ल थी, जो चीज़ें, जिस तरह की ये डिज़ाइन थी और इस पर क्या कंटेंट था, उसकी मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल लाइव दिखा देगा, विच इज़ अमेजिंग। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्रैक्स हो रहे हैं, बाय द वे ये मैंने ही क्रैक्स ऐड किए थे, तब इतनी समझ नहीं थी कि कौन सी निश पे काम करना चाहिए, कौन सी निश पे नहीं करना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे अबाउट अस के अंदर जाऊँ तो इट मस्ट बी कि ये मुझे शो करवाए कि मतलब मेरे अबाउट जो जो चीज़ें मैंने लिखी थी तो वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये किसी वजह से शो नहीं करवा रहा वो पेज, उस पेज का इसके पास डाटा नहीं होगा आई गेस सो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का जो डोमेन आप बाय करना चाह रहे हैं, ये डोमेन आप लेना चाह रहे हैं, उसका जो बिल्कुल वो सारी चीज़ें वो आप देख सकें, एनालाइज कर सकें, एक्सरे कर सकें कि मैं जो डोमेन बाय कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, ये स्पैमी है तो मुझे उसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, ये एक्चुअली में इसने मुझे दिखा दिया और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कुछ इस तरह से लिखी हुई हैं और राइट, तो कुछ इस तरह से इसकी शक्ल थी। अब आपको डिसाइड करना है कि अगर ये आप जिस पर्पज़ के लिए डोमेन बाय करना चाह रहे हैं उसी से रेलिवेंट है तो ठीक है यूज़ कर लें, या बिल्कुल एथिकल चीज़ें हैं यूज़ कर लें, अगर स्पैम या किसी तरह की नेगेटिव या एडल्ट चीज़ें तो आप उस डोमेन को अवॉइड करें और कोई अच्छा नाम चूज़ कर लें ताकि आपके वक्त और मेहनत और पैसे कुछ भी ज़ाया ना हो इन फ्यूचर। आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी कि डोमेन बाय करने से पहले कौन सी चीज़ें आप लोगों को देख लेनी चाहिए अगर आप अपने स्टार्टअप या ब्लॉग या किसी भी तरह की वेबसाइट जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके अबाउट सीरियस हैं, राइट, ताकि आपके जो पैसे और टाइम ज़ाया ना हो। तो किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस है आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल दिन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।